नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 21 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बड़ी खबर, हिमाचल में 30 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी। लगभग 2 हफ्ते खोलने के बाद हिमाचल के स्कूल एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं। इन्हें 30 अगस्त तक बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को जारी नए आदेशों में 28 अगस्त तक स्कूल को बंद करने का फैसला लिया है, क्योंकि 29 और 30 अगस्त को सरकारी अवकाश है। ऐसे में 30 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। इस दौरान सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों को सरकारी आवास को छोड़कर स्कूलों में नियमित तौर पर आना अनिवार्य रहेगा। शिक्षक स्कूलों से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे। 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए पूर्व में की गई व्यवस्था पर रोक रहेगी। मुख्य सचिव राम शुभम सिंह की ओर से ये आदेश जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, पर्यटकों से नई शादियों से फैल रहा कोरोना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सैलानियों के चलते नहीं बल्कि शादी समारोह में जुट रही भीड़ के कारण कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में भी संक्रमण के मामले बढ़े हैं जहां सैलानी जाते नहीं है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों जो शादियों को दूर चला उससे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सराज की एक पंचायत में 49 मामले सामने आए, इसका कारण शादी में भारी भीड़ उमड़ना था। जिला चंबा में भी इसी कारण मामले बढ़े हैं। उन्होंने बंदी से बढ़ाने के भी संकेत दिए। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में 93% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना के मामले बढ़ने से प्रदेश सरकार 24 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में जनसभाओं पर रोक लगाने पर फैसला ले सकती है। ये बैठक 10:30 बजे पेट्रोप में होगी। सरकार प्रदेश में और बंदी से लगाए जाने पर विचार कर रही है। हालांकि शुक्रवार को सरकार ने 30 तक स्कूल बंद करने का फैसला ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैबिनेट में प्रस्तुति दी जाएगी। कोरोना के मद्देनजर स्टेट बॉर्डर पर बढ़ाएगी सख्ती, हर व्यक्ति से की जा रही है पूछताछ। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार के नए आदेशों के बाद स्टेट बॉर्डर एरिया पर सख्ती बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती जिला सिरमौर में बॉर्डर एरिया पर अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। सरकार के आदेशों के बाद पुलिस जवानों द्वारा बॉर्डर एरिया पर आने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। कोविड-19 गाइडलाइन निर्देश के मुताबिक ही उन्हें जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। DSP पोंटा साहिब वीर बहादुर सिंह ने बताया कि सरकार के आदेशों के बाद पोंटा साहिब के साथ लगते मुख्य स्टेट बैरियर यमुना घाट, बहराल, हरिपुर खोल पर आने जाने वाले सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि आदेशों के मुताबिक गाड़ियों व बसों में आने वाले सभी लोगों का ई पंजीकरण, RT-PCR रिपोर्ट और वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र चेक किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कुल्लू में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया, तो वहीं कुल्लू अस्पताल में भर्ती मरीजों को भोजन की व्यवस्था भी की गई। कुल्लू सत्र के विधायक ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश के विकास में उनके द्वारा दिए गए योगदान को भी याद किया। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कुल्लू अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर जिला कुल्लू में भी प्रशासन के द्वारा सद्भावना दिवस मनाया गया। DC कुल्लू के कार्यालय के प्रांगण में सभी कर्मचारियों को DC कुल्लू ने आपसी सद्भावना की शपथ भी दिलाई। बड़ी खबर, अफगानिस्तान संकट, हिमाचल के नवीन को फ्लाइट में मिली जगह। काबुल में फंसे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरका घाट के नवीन को डेनमार्क की फ्लाइट में जगह मिल गई है। वे कई साथियों के साथ इस फ्लाइट में डेनमार्क के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक विशेष विमान से काबुल से रवाना हो गए। ये फ्लाइट उसी डेनिश कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए भेजी है जिसमें नवीन सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत है। डेनमार्क पहुंचने पर सभी को अपने अपने देश को भेजने की व्यवस्था की जाएगी। SDM सरका घाट राहुल जैन से मिली जानकारी के मुताबिक नवीन काबुल एयरपोर्ट पर ही थे। इसी बीच डेनमार्क की फ्लाइट में उन्हें जगह मिल गई है। वे इस विमान में पहले डेनमार्क जाएंगे, फिर वहां से दिल्ली आने की व्यवस्था होगी। हिमाचल राशन डिपो में सरसों तेल के बाद अब रिफाइंड के दाम घटाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के सस्ते राशन की दुकानों में उड़द, चना दाल और सरसों तेल के दाम घटाने के बाद अब रिफाइंड के रेट भी कम हो सकते हैं। रिफाइंड के दाम प्रति लीटर 5 से 10 रुपए तक घट सकते हैं। बीते जून में उपभोक्ताओं को 109 रुपए में रिफाइंड दिया गया था।
जुलाई और अगस्त में भी सिर्फ सरसों तेल ही दिया गया, अब सितंबर में रिफाइंड देने की तैयारी है। खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड के टेंडर को लेकर कंपनियों से आवेदन मांगे थे। 5 कंपनियों ने आवेदन किया है। सोमवार को निगम कार्यालय में कंपनियों की टेक्निकल वेट खुलेगी। बाजार में रिफाइंड प्रति लीटर 160 से 170 रुपए में मिल रहा है। प्रदेश में 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता है, इन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी पर 3 दालें, 2 लीटर तेल, चीनी और 1 किलो नमक दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि रिफंड के टेंडर किए गए, सोमवार को टेक्निकल बिड खोली जानी है। शिमला में फिट इंडिया फ्रीडम रन को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी, युवाओं से की अपील। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शुक्रवार को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत फिट इंडिया फ्रीडम रन को फिट होप शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में विभिन्न युवा मंडलों एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के लगभग 100 युवाओं ने भाग लिया। अनुराग ठाकुर ने सभी देश एवं प्रदेशवासियों को फिट रहने का संदेश दिया और इस अवसर पर आए हुए युवाओं को कहा कि मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश के युवाओं को नशे से दूर करने का संदेश दिया है और कहा कि देश का हर युवा व देशवासी अपने लिए रोज आधा घंटा फिटनेस के लिए निकाले जिससे भी फिट बने रहेंगे। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश एंट्री से जुड़ी हुई, अधिकारियों ने ले लिया इतना बड़ा फैसला, सीएम को पता भी नहीं चला। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की एंट्री को आरटीपीसीआर और रैट की नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को 10 अगस्त को जरूरी कर दिया था, लेकिन इन आदेशों में 18 अगस्त को प्रदेश में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त को भी जोड़ दिया गया, जिसकी आपदा प्रबंधन सेल ने अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसे मुख्य सचिव ने अप्रूव किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिसूचना के 2 दिन बाद भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसकी जानकारी तक नहीं है। मीडिया के पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने बीते रोज और आज दूसरे दिन भी रजिस्ट्रेशन को लागू नहीं करने की बात कही है, जिससे लोगों में असमंजस की स्थिति है। हालांकि बिना रजिस्ट्रेशन के सोगी बैरियर से कुछ गाड़ियों को पुलिस ने वापस भी भेजा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारी बिना मुख्यमंत्री को बताए इतना बड़ा निर्णय लागू कर देते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को 2 दिन बाद भी इसकी जानकारी तक नहीं दी गई है। सर, रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया से आने लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया। सर, कल भी कुछ गाड़ियाँ वापस भेजी गई है शोगी बैरियर से। 40 गाड़ियाँ वापस भेजी गई है शोगी बैरियर से रजिस्ट्रेशन के बगैर। वो मालूम करेंगे, पता करेंगे भैया, अभी आपके पास ये है इन्फॉर्मेशन, हमारे पास नहीं है। मेरा ही है। 39 साल के बाद होगी बागवानी पैदावार की गणना, दिल्ली की 2 एजेंसियों को सौंपा काम। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1982 के बाद एक बार फिर से बागवानी पैदावार की गणना की जाएगी। लंबे समय के बाद यहां पर देखा जाएगा कि कितनी पैदावार हो रही है, पहले कितनी थी, अब इसमें कितना इजाफा हुआ है, वही डाउनफॉल है तो किन कारणों से है। इन सभी बातों पर गणना का रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। बागवानी विभाग ने इसके लिए केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त 2 एजेंसियों के साथ समझौता किया है। दिल्ली की ये कंपनी CSC SPB लगभग 39 साल के बाद ये सर्वेक्षण यहाँ करेगी। इस गणना के आधार पर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर में होने वाली पैदावार और गतिविधियों की सही तस्वीर सामने आएगी। इसमें बागवानी सेक्टर से जुड़े मधुमक्खी पालन, कुंभ की खेती, पुष्प उत्पादन, पोली हाउस जैसे सेक्टरों को भी कवर किया जाएगा। हवाई सेवा, विंटर पैटर्न सीजन से पहले शिमला में शुरू होगी ATR 42 की फ्लाइट। पहाड़ों की रानी शिमला में इस वर्ष विंटर पैटर्न सीजन से पहले ATR 42 की फ्लाइट शुरू होगी। जोबरहाटी हवाई अड्डे के विस्तारीकरण पर हो रही देरी पर केंद्र सरकार पुरानी व्यवस्था पर लौटने वाली है। इन दिनों मंत्रालय के स्तर पर 42 सीटर विमान की खरीद प्रक्रिया जारी है। संभावित है कि नवंबर या दिसंबर 2021 तक शिमला के लिए दिल्ली से ATR 42 की सेवा शुरू हो जाएगी। शिमला के जोबरहाटी हवाई अड्डे पर 72 सीटर विमान उतरने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल की कला और संस्कृति को विश्व पटल पर दिलाऊंगा पहचान। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति को अगले 10 वर्षों में विश्व पटल पर पहचान दिलाना प्राथमिकता है। पोर्टर पीटर ऑफ शिमला में शुक्रवार को प्रेस वार्ता में अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के संगीत की मिठास पूरे देश में चर्चित है, हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना, इस विरासत को लुप्त नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अपने संकल्प में कला और सांस्कृतिक क्षेत्र को चुने, हिमाचल देव भूमि है, ये एक बड़ा कारण है कि हमारी संस्कृति बहुत ही अच्छी है।
हिमाचल में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, 103 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। प्रदेश में शुक्रवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत होगी। कांगड़ा में 51 वर्षीय व्यक्ति जबकि शिमला में 73 वर्षीय बुजुर्ग और 64 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 103 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 401 मरीज भी ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 211,432 पहुंच गया है। इनमें से 205,448 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 2,413 हो गया। अब तक 3,535 संक्रमितों की मौत हुई है। मजारों में उमड़ने वाली भीड़ दे रही है हिमाचल में कोरोना को न्योता। प्रदेश में लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ सकते हैं। मजारों में उमड़ने वाली भीड़ और कोरोना नियमों का पालन न करना प्रदेश में तीसरी लहर को न्योता दे रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। विभाग ने मंडी, चंबा, कांगड़ा के बाद अब शिमला और सोलन जिलों में भी सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए भी कहा गया है। जिला शिमला में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 300 के आसपास है। सोलन में ये आंकड़ा 50 से नीचे। अब स्वास्थ्य विभाग की नजर इन दोनों जिलों पर है। जिला मंडी, चंबा और कांगड़ा जिले में बीते 15 दिन के दौरान बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ ही कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ाने का कारण मानी जा रही है। हालांकि बीते 3 दिन से इन जिलों में मामले घटने शुरू हो गए। जिला चंबा और मंडी में एक्टिव मामलों का आंकड़ा 500 से नीचे आ गया है। जिला कांगड़ा में ही अब एक्टिव मामले 500 से ज्यादा है। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बरसे बादल, 2 घंटे बंद रहा नाहन शिमला NH, 5 जिलों में बाढ़ का खतरा। भूस्खलन होने से शुक्रवार को नाहन शिमला नेशनल हाईवे 2 घंटे तक बंद रहा। शुक्रवार को शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल बरसे। शनिवार को भी मध्य पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और शिमला जिलों में बाढ़ आने की चेतावनी भी दी गई है। शुक्रवार को कांगड़ा में 19, पालमपुर 13, मनाली 6, कल्पा 6, केलांग 5, डलोजी, धर्मशाला 3 और शिमला में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। शनिवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। 26 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। निगुलसरी भूस्खलन, फिर दर का पहाड़। प्रशासन ने कहा जरूरी नहीं हो तो टाल दे सफर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निगुलसरी में पहाड़ दरकने का सिलसिला नहीं थम रहा है। शुक्रवार सुबह भी पहाड़ी से चट्टाने गिरने के कारण NH5 करीब 6.5 घंटे तक बंद रहा। इसे मार के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी। NH प्राधिकरण ने कड़ी मशक्कत के बाद नेशनल हाईवे को यातायात के लिए बहाल किया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को अगले 2 दिन तक इस मार्ग पर अनावश्यक सफर न करने की हिदायत दी है। बड़ी खबर, शिमला से ही मिल जाएगी फॉरेस्ट क्लियरेंस। वन पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालय ने शुरू किया काम। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए अब हिमाचल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने शिमला में ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का कार्यालय खोले जाने का ऐलान किया था, जिसने अब काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था होगी, जिसके बाद अब पूरे मामले शिमला में ही निपटा दिए जाएंगे। नाथपा झाकड़ी परियोजना से 22 अगस्त को छोड़ा जाएगा पानी, नदी किनारे ना जाए लोग। भारी बारिश होने के कारण 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के जलाशय में पानी व सेल्ट की मात्रा बढ़ गई है। बारिश सेल्ट से परियोजना की टरबाइनों को नुकसान ना हो, इसके लिए डैम से सतलुज नदी में पानी छोड़ा जाएगा। परियोजना प्रबंधन ने डैम से पानी छोड़ने का समय निर्धारित किया है। इस सूचना के अनुसार 22 अगस्त को फ्लशिंग की जाएगी। इस दौरान रात 12 बजे से शाम 5 बजे तक पानी सतलुज नदी में छोड़ा जाएगा। ऐसे में कोई बड़ा हादसा ना हो, इसके कारण सुरक्षा की दृष्टिगत से परियोजना के प्रबंधकों ने स्थानीय लोगों से नदी के आसपास न जाने व नदी के पानी से उचित दूरी बनाए रखने की गुहार लगाई है।